खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो बता दें, अभी कोविड की सेकंड जो वेव आई थी, जो सेकंड लहर आई थी, उससे अभी हम उबर भी नहीं पाए थे। वहीं एक चौंका देने वाली खबर मेरठ से निकल कर आ रही है कि यहाँ की चार जो आशा कार्यकर्ता हैं, उनमें जो कोविड का तीसरा वेव है, जो तीसरी लहर है, उसके होने की संभावना है। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ मेरठ से उनके जो टेस्ट किए गए हैं उनको लखनऊ भेजा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अंदर हमने यह बात की तो यहाँ और जो प्रिंसिपल ने बताया है कि जो कोविड की तीसरी लहर है वो बच्चों पर ज़्यादा हावी है, उस पर क्या तैयारी है हमारे मेडिकल कॉलेज प्रशासन की, ये हम आपको बताएंगे जब हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि अभी हम कोविड की दूसरी लहर से उभर भी नहीं पाए, यहाँ तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कितना सतर्क नज़र आ रहा है। और ये खबर वाकई में चौंका देने वाली है कि अभी जहाँ पिछले दिनों कहा जा रहा था कि तीसरा जो स्ट्रेन आना है उसमें कुछ समय लगेगा, अभी चार से छः हफ्ते लगेंगे, लेकिन वो बात गलत साबित होती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ आशा कार्यकर्ता जो मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करती हैं, उनमें चार लोगों में संभावना बताई जा रही है, उनके टेस्ट गए हैं सैंपल के लिए, जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसमें चार से पाँच दिन का समय लगता है। अब देखने में समय बताएगा कि ये जो वेरिएंट है ये उनके अंदर है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज़ से नवीद खान की रिपोर्ट। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी मेरठ में नहीं आया है, इस तरह का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट का यहाँ पे कोई केस हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में समाचार पत्रों से, न्यूज़ चैनल से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में पुष्टि हुई है। हम लोग एहतियात के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स जो हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, और शासन की तरफ से भी यही आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को, कम से कम 15 से लेकर 30 सैंपल्स जो आपके पॉजिटिव हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, जिससे कि अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के उसको कंटेन किया जा सके। सर, जो आशा कार्यकर्ताओं के लैब भेजे गए टेस्ट, सर उनका क्या संक्रमण लगा? अभी इसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें लगा के चार आशा कार्यकर्ता एक ही जगह एक ही इलाके में पॉजिटिव थी, तो हमने एक एहतियातन तौर पे उनके सैंपल्स भेज दिए, उनके साथ और लोगों को भी सैंपल भेजें, जो हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैंपल्स भेज के जीनोम सीक्वेंसिंग करा जाए। अभी तक इस तरह की कोई वो हमारे पास कुछ नहीं। ये जो थर्ड वेव आने वाली है उसकी जो इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पे ज़्यादा असर डालेगी, 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज़्यादा असर डालेगी, तो इस संभावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा हर मेडिकल कॉलेज में 110 बेड का हॉस्पिटल बच्चों के लिए बनाने के लिए निर्देश दिए गए, उसमें 50 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू, 50 आइसोलेशन एवं 10 बेड ट्रैक के बनाने हैं, तो उसके संबंध में हम लोगों ने पूरा इन सब जो बेडों की जगह चिन्हित करते हुए उन पर लगभग सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, और जो आवश्यक उपकरण हैं उनको क्रय करने की आदेश संबंधित कंपनियों, जहां से क्रय करना है संबंधित वेंडरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें टाइम लग जाता है, जैसे अब लगभग 1-1.5 जो टाइम तो लगता है, क्योंकि पूरा जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, तो जैसे आएगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा।